एक दो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, वो भी जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस उनका, एंड देन आफ्टर सम टाइम वी विल स्टार्ट स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। फिर प्रॉपर्टीज से टिपिकल डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसको स्टार्ट करें। पहले मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, उनको सॉल्व कर लो। जीरो टू पाई बाय फोर टेन रेज टू पावर एन एक्स, ये मैंने आपको बताया था रिडक्शन फॉर्मूला। देन फाइंड आई एन प्लस थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं। पहला चलो तो स्टार्ट करते हैं, इसको लिख सकते हैं जीरो टू पाई बाय टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और ये आ जाएगा वन अपॉन में कॉस रेस टू द पावर फोर डिग्री, तो ये आ जाएगा जीरो टू पाई बाय फोर, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सेक रेस्ट टू द पावर फोर। तो सेक रेस्ट टू द पावर फोर में एक को तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं और एक को लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स द होल का स्क्वायर। नो सब्स्टिट्यूट टेन एक्स इज इक्वल टू एम, फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा जीरो टू वन आ जाएगा। लिमिट चेंज हो जाएगी बेटा, लिमिट इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, है ना। टेन जीरो की वैल्यू जीरो, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन, तो दैट्स व्हाई जीरो टू वन वन प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर होल का स्क्वायर डीओ। ये अब आपके पास बच गया इसको इंटीग्रेट कर।
लिमिट तो चेंज होगी ना बेटा, ये तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, यही तो लास्ट क्लास का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था कि व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग 10x इज इक्वल टू m, टेन जीरो टेन पाई बाय फोर, ये जीरो इज वन एंड दैट्स वाई जीरो टू वन, अरे पाई बाई टू माइनस यहाँ पाई बाई टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट हो जाए, ये कॉस रेस टू द पावर फोर है ना बेटा, इसमें से अगर आप कॉस स्क्वायर कॉमन लोगे तो पावर टू होने के कारण कॉस रेस टू द पावर फोर कॉमन आएगा, अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं हम लोग, अब इसको क्या करता हूं मैं, सबसे पहले 1 बाय बी स्क्वायर इसमें मैं कर देता हूं प्लस ए स्क्वायर को ऐड और माइनस ए स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट, और ये वाली जो पूरी टर्म इसको अलग कर देता हूं, सो देयरफॉर ये बन जाएगा 1 बाय बी स्क्वायर जीरो टू इंफिनिटी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर द होल का स्क्वायर डीएम, और ये जो नेक्स्ट वाला है ये अलग हो जाएगा 1 अपॉन में बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये एक बार का कैंसिल हो जाएगा, तो इसका तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब इसका करना बाकी है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, अब ये क्वेश्चन बाकी है हमारे पास, हाँ दिस इज द फर्स्ट पेज राइट, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये तो डायरेक्टली हो गया अपना, ये वाला पार्ट तो हो गया, इसको करने के लिए बी एम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ए टेन फाइव, तो डी ऑफ एम इज इक्वल टू ए बाय बी इंटू सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ये हो जाएगा, तो यहां पे अब मेरे पास ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन में b स्क्वायर, अगेन द लिमिट विल चेंज 0 टू 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगी, अगेन लिमिट, लिमिट पे थोड़ा वर्कआउट करना है, अगर m की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो फाई की वैल्यू 0 आएगी, और अगर m की वैल्यू इनफाइनाइट टेंडिंग होगी तो फाई की वैल्यू पाई बाय 2 आएगी, बी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर तो कॉमन बाहर ही आ गया, कॉन्स्टेंट। डीएम की जगह आपके पास आ जाएगा ए बाई बी अगेन सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। और नीचे भी अगर आप देखोगे तो ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए रेस टू द पावर फोर, और ये हो जाएगा sec raise to the power 4 5 d5। बस अब इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि a की पावर 4 बाहर आ जाएगा बेटा, नीचे sec स्क्वायर बचेगा मतलब cos स्क्वायर बचेगा। तो अब इसको आपके पास कुछ और, और फाइनली दिस वुड बी a अपॉन में a क्यूब b क्यूब, और ऊपर है आपके पास b स्क्वायर। मैंने बोला ही था कि लेंथी क्वेश्चन है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव। अब कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव आपको इंटीग्रेट करना आता है, कॉस टू फाइव में कन्वर्ट करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा दिस, दिस इज नाउ इन द इंटीग्रेबल फॉर्म एंड विद दिस, दिस इज ऑल्सो इन द इंटीग्रेबल फॉर्म। इन दोनों का एडिशन आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको जो है मेन जो हमने सीखा था कि भाई इंडेफिनेट तो यूज आना ही है इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना, तो इतना डरना मत इंडेफिनेट यूज आ रहा है। तो मेनली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो अभी आगे हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उस पे आएगा, तो डरना मत उस पे बिल्कुल भी, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला रिलेटिवली थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। इसका मैंने आपको बताया था पहले भी कि 10 की पावर यहाँ पे मैं और रिपीट कर दूं बेटा क्या किया था मैंने, इस स्टेप के बाद यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो मैंने ये वाला ऐड किया और ये पार्ट सब्सट्रैक्ट किया। वॉइस में थोड़ा सा इशू रहेगा बेटा, नेटवर्क का इशू चल पाया, वॉइस में इशू रहेगा थोड़ा सा। इसको ऐड किया, इसको सब्सट्रैक्ट, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, इन दोनों को साथ में कर लिया और इन दोनों को साथ में कर लिया, तो एक पार्ट तो ये बन गया
वॉइस इज ब्रेकिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने बताना कि थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का, आज अभी थोड़ा इशू चल रहा है। अभी दिख रहा है स्क्रीन? तो इसको मैनिपुलेट किया है मैंने, सेम चीज ऐड करी, सेम सबसे बना दिया। इन दोनों का पेयर बना दिया और बचे हुए दोनों का पेयर बना के दो अलग अलग इंटीग्रेशन में, एक ये वाला बन गया, एक ये बन गया। इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। और इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से वापस सॉल्व किया कि b into m is equal to a into 10 phi सब्स्टिट्यूट। इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बेटा, इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस पे आते हैं हम। ये मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लास लेक्चर में बताया भी था। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो अपन ने किया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये वाला टिपिकल कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन जो यहां पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये तो आई एन माइनस टू हो गया, तो जीरो टू पाई बाय फोर टेन रेस टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड देयर फोर यहां तक हमने डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी कर लिया था। No, substitute 10x is equal to m, sec square x dx is equal to dm, in plus in minus 2, ये minus 2 होगा, in plus in minus 2 is equal to integration 0 to 1 m raised to the power n minus 2 dm, m raised to the power n minus 1 upon my n minus 1, 0 to 1, 1 upon my n minus 1 minus 0 upon my n minus 1. ऐसे क्वेश्चन आपके पास कंपटीशन एग्जाम में आएंगे। This is the question जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर किसी ने ये भी पूछा आई एन प्लस टू प्लस आई एन, तो ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय एन प्लस टू माइनस वन। का फंडा मैंने लास्ट क्लास में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लास्ट क्लास में रिडक्शन फॉर्मूला जो बताया था, वही वाला पैटर्न है बेटा पूरा का। आईएन नाम दिया है, क्यों नाम दिया है यहाँ पे? इसीलिए है क्योंकि यहाँ पावर में यहाँ एन माइनस टू है, तो मैंने आईएन माइनस टू नाम दे दिया है ना। वो सेम फंडा है, सिर्फ एन की वैल्यू पे चेंज करना है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता I 12 प्लस I 10 कितना है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट, 1 अपॉन में 11 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप, जैसे ये क्वेश्चन आ गए,
सिर्फ n की जगह आपको क्या पुट करना है 12, ये भी पूछा जा सकता है। सेम चीज है, सिर्फ नंबर्स चेंज कर दिए। ये रहा प्रीवियस पेज, चलो अब नया पढ़ना चालू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेनली ये जो चैप्टर बेस्ड है ये प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज अभी पढ़ें। पूरा चैप्टर अब प्रॉपर्टीज पे ही चलने वाला है, पूरा चैप्टर अब प्रॉपर्टीज पे ही चलने वाला है, बट हम कुछ कुछ करके कवर करेंगे। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आज की क्लास में हम कुछ पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड अप क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो जैसे कभी कभी आपने इंटीग्रेट किया है टू बी एफ एक्स डी एक्स, प्रीवियस पेज बता दूंगा बेटा, पहले आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। So if you change the variable, it is not going to affect anything in the question. जैसे कि अगर आपने यहाँ पे value x use किया है, तो यहाँ पे m use किया है, तो changing the variable will not going to change the answer. Both will be equal. ठीक है? बहुत basic properties है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको proof करने के लिए x is equal to m substitute कर दो, proof हो जाए। Next property है, अगर आप a to b integrate कर रहे हो function fx dx, then you can integrate it b to a, just what you need to do is एक negative sign लगा दो। मतलब if you are changing the limit, then you have to put a negative sign outside the integration. So if you are changing the limit, you have to put a negative sign outside the limit integration. Next is, if you are integrating a to b fx dx, then you can write it something like a to c fx dx plus c to b. Matlab you can break the limits. Like if you are integrating 0 to pi by 2, you can break it something like 0 to pi by 6 sine x dx plus pi by 6 to
And in fact, not only break it something like A to C1, C1 to C2, plus C2 to C3, plus C3 to B. That's your wish, no issues. Overall, आपको कहां से कहां तक integrate करना, A से लेके B तक, पहले आपने ये C1 है, पहले आपने C1 तक कर दिया, फिर C1 से C2 कर दिया, C2 से C3 कर दिया, C3 से B कर दिया। थोड़ा सा इस चीज को जरूर ध्यान रखना, लॉजिकली एकदम डेफिनेटली जब ही होगा जब C जो है A से बड़ा हो, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर जब भी सेंस बनाएगा, अदरवाइज सेंस ही नहीं बनाएगा तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे क्वेश्चंस आते भी सेकंड प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी ये एकदम बेसिक, एक प्रॉपर्टी ये, एक प्रॉपर्टी ये, जैसे कि बढ़ जाऊं आगे, लिख लिया सबने, ये प्रीवियस स्लाइड देख लो, मान लो इफ यू नीड टू इंटीग्रेट मॉड एक्स माइनस वन टू जीरो, सॉरी माइनस वन टू प्लस, देन व्हाट यू कैन डू इज, अबे बहुत सारी प्रॉपर्टी बेटा, सब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, जो भी हम करेंगे वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन ही करें, प्रॉपर्टीज नहीं है क्वेश्चन है। अब कुछ प्रॉपर्टी करते जाएंगे और उनपे क्वेश्चंस करते जाएंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे अब आगे का इंटीग्रेशन। इसको क्या कर सकता हूं, माइनस वन टू जीरो, जीरो टू प्लस वन, क्यों किया, क्योंकि माइनस वन से जीरो के बीच में ये माइनस एक्स हो जाता है, और जीरो से लेके प्लस वन के बीच में एक्स डी एक्स हो जाता है। तो माइनस ऑफ माइनस आउटसाइड एक्स स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेशन माइनस वन टू जीरो
प्लस माइनस आउटसाइड इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट रेंजेस एंड द रीजन इज वेरी सिंपल बिकॉज ये जो मॉड एक्स है ये या तो माइनस एक्स ओपन होता है या तो ये प्लस एक्स ओपन होता है तो अंडर द रेंज माइनस वन टू जीरो ये माइनस एक्स ओपन हो गया और जीरो टू वन ये प्लस एक्स ओपन हो गया एंड देन फॉर इंडिविजुअल अपना अपना इंटीग्रेट हो गया। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था एरिया वाला, ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ। व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन this is minus 1, this is plus 1, it means you are finding out this. राइट, मैंने आपको रिलेट करके बताया था कि जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, हाँ, दिस प्रॉपर्टी इज हेल्पफुल फॉर ट्रिगो फंक्शन एज वेल। बहुत सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछते भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड, वो भी हम करेंगे अभी। तो ये अगर आप एरिया निकालो, दिस इज वन यूनिट, दिस इज वन यूनिट, therefore area is equal to 1 by 2 into 1 into 1. Similarly, this is one unit, this is also one unit. Area is equal to half. तो ये दोनों area मिलके half, ये देखो दोनों से। तो मैंने आपको ये ग्राफिकली बता दिया कि ग्राफिकली हम रिलेट कर सकते हैं, दैट इज द रीजन एंड दैट्स वेयर वी यूज दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली व्हेन वी नीड टू ब्रेक इनटू डिफरेंट रेंजेस टू सॉल्व इट। क्योंकि हम इसको ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकते, हमको मॉड को अलग हटाना पड़ेगा। मॉड को अलग हटाने के लिए अपने खुद के रीजन होते हैं, अपने खुद का तरीका होता है कि कहीं माइनस करके ओपन करना है, कहीं प्लस करके ओपन करना है। तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हेल्प लेते हैं जिसमें रेंजेस में अलग अलग रेंजेस में ब्रेक करते हैं। All functions are not integrable. There are the functions which are not integrable.
अब जैसे इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा वाला वर्जन ले लेता हूँ, अब जैसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और सपोज ये ले लो जीरो से लेके फाइव तक, तो इसको दो तरीके हो जाते हैं, या तो एरिया निकाल के कर लो, ठीक है, या फिर या तो एरिया निकाल के कर लो या फिर इसको ब्रेक करके, लिमिट्स ब्रेक करके करना पड़ेगा। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जो ये अपनी साइन प्लस वन के आगे पीछे चेंज करता है, ये प्लस टू के आगे पीछे चेंज करता है, तो जब एक्स जो है वो जीरो से लेके वन तक इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, तीनों नेगेटिव करके ओपन, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मतलब आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। वन से लेकर टू तक करोगे ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मॉड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन और फाइव, टू से लेके थ्री तक, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, ये जैसे मॉड को आप ओपन करते हो बेटा वैसे ही मैंने ओपन किया है, डेफिनेटली डिफरेंट रेंजेस में ओपन करना पड़ता है, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव कर। थ्री से लेके फाइव तक मैंने सिर्फ जीरो से लेके फाइव तक की लिमिट ली है, क्योंकि मुझे यहां जीरो से लेके फाइव तक का ही मतलब नहीं है। तो देयरफोर ये आ जाएगा आपके पास जीरो से लेके वन माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, वन से लेके टू माइनस एक्स प्लस फोर, टू से लेके थ्री एक्स, एंड थ्री टू फाइव ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेट आपको इंडिविजुअल अपना अपना करना पड़ेगा, जीरो टू वन प्लस, फिर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक बार आपने ये कर लिया फिर इंटीग्रेशन करके और वैल्यू पुट करना इज नॉट अ बिग टास्क। This is your final answer. ये अब आप निकाल सकते हो। ये आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा माइनस तीसरा वाला आ जाएगा लास्ट वाला आ जाएगा
ये फाइनल अब आपका पास ही आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा ये कहां से कहां तक का रेंज, तो ये जो रेंज मैंने ब्रेक करी है ये तो मॉड का फंडा है कि मॉड को किस तरीके से रेंज ब्रेक करते हैं। जब आपने इक्वेशन इन इक्वेशन करके चैप्टर पढ़ा होगा ना, जब इसको सॉल्व किया होगा, इसका ग्राफ भी बनाया होगा, ग्राफ भी आपको शॉर्टकट बताया जाता है कि भाई ये वन है, ये टू है और ये थ्री है, तो कुछ इस तरीके के ग्राफ आएंगे इस। ये ग्राफ आता है ना, तो वो उधर से आपको क्राउन, जैसे ये वन आ जाएगा, ये टू आ जाएगा, ये थ्री आ जाएगा। तो जैसे ब्रेक करते थे उस तरीके से ब्रेक करके करना पड़ेगा, ये मॉड का फंडा। नहीं हो सकता कुछ कैलकुलेशन में मैंने कुछ गलत, 3 into 25 by 2। हाँ, अब इसमें ना मॉड के अंदर जो है कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है बेटा, क्वेश्चन डिपेंड करता है, यहीं पे डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको चैलेंजिंग लग सकता है। इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं है, इसमें जो यूज है फंक्शन का यूज है कि मॉड को आप किस तरीके से ब्रेक कर। और एक्चुअली आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो अगर यहाँ पे 5 है, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर फाइंडिंग आउट दिस एरिया। द कर्व मेक विद द एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट एक्चुअली व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 5। नहीं बेटा, इन चैप्टर्स के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बोला, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन आरडी शर्मा अप्रोक्सीमेटली 10 questions, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आप। इसीलिए कि प्रैक्टिस के लिए अगर आपको कुछ यूज करना है तो आरडी शर्मा के सॉल्व एग्जांपल ले लो, टिपिकल जेई मेंस लेवल है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी उस लेवल, क्योंकि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, दैट इज द चैलेंज। मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करा पाऊंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए एक बेसिक लेवल पे ये मिल जाएगा, इसीलिए मैं आरडी शर्मा नहीं, अदर चैप्टर के लिए आरडी शर्मा मैंने देखी नहीं है कभी बेटा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आई कैन नॉट कमेंट फॉर अदर चैप्टर, बट हाँ ठीक है, आई थिंक एओडी भी उन्होंने ठीक देके रखा हुआ होना चाहिए जितना जेई मेंस पूछता है। इंटीग्रेशन तो उन्होंने प्रैक्टिस के लिए भरपूर देके रखा हुआ, तो आई थिंक ये जो आगे वाला पार्ट अपन कर रहे हैं ना, ये ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस यू कैन प्रिफर दैट, इट विल हेल्प यू। सॉल्व एग्जांपल देखना, ज्यादा मत देखना, सॉल्व एग्जांपल भी अच्छे देके रखना है आर्टिस्ट। अब जैसे कि अब क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 to 4
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स, इसको सॉल्व करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब इसमें क्या है, आपको ब्रेक करना पड़ेगा जीरो टू वन, वन टू टू, क्यों? क्योंकि जीरो टू वन इसकी वैल्यू जीरो, वन टू टू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वन, टू टू थ्री थ्री, और बचा हुआ एज इट इज। That is, oh ho ho ho, my mistake, my mistake, my mistake. This is how you have to use this properties, and this is how the definite integration works. या फिर इसको छोड़ो अभी, हाँ चलो ये वाला करके देखो। बिल्कुल बना सकते हो जी, एक्टिव का
तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा वन इंटू वन इज द एरिया, वन इंटू टू इज द एरिया, वन इंटू थ्री इज द एरिया, क्योंकि दिस इज वन, दिस इज टू, और इन तीनों को जब ऐड करोगे आप यू विल गेट सिक्स ओनली. तो दिस इज ऑल्सो द राइट वे ऑफ डूइंग, मतलब आप यू कैन डू इट लाइक दिस एज वेल. फर्स्ट वाला गलत क्यों है, मतलब गलत कुछ नहीं है बेटा, जीरो आएगा ना ये वैल्यू. व्हेन व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन फ्रॉम जीरो टू वन द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज जीरो. व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन वन टू टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इज इक्वल टू वन. एक्स जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जीरो टू टू वाला लिखा है, इसको सॉल्व करो. नहीं बेटा गलत है, वन नहीं है. नहीं आंसर मुझे भी नहीं पता, कैलकुलेट करूंगा बेटा. कौन सी बाउंड्री कंडीशन नहीं दी बोलता. मतलब बाउंड्री कंडीशंस कौन सी नहीं ली, तो है उनमें सारी बाउंड्रीज की. ग्रेटेस्ट इंटीजर एट वन इज वन, तो ये तो लिया है ना, मतलब उसको थोड़ा उस तरीके से समझ के हम एरिया निकाल रहे. वन पे क्या एरिया निकाल रहे, वन पे कोई एरिया नहीं निकलेगा. ये तो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो जीरो से फोर तक तेरे को इंटीग्रेट करना, कुछ उस तरीके से सोच. चलो इसको सॉल्व कर देता हूं. देखो सबसे पहले इसको ये समझो आप, when x is varying from 0 to 2,
x square is will vary from 0 to 4. And 0 to 4 आएगा तो greatest integer of x square जो है ना, that should be either equal to 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3. अगर x square आपके पास 0 से लेके 4 के बीच का है, तो उसका greatest integer या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, till 3. तो definitely आपको ये integrate करना पड़ेगा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार. 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा. किस range के लिए आएगा? तो ये 0 से लेके 1 तक आएगा. और ये कहां से कहां तक आएगा? तो 1 से लेके root 2 तक आएगा. ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं होना चाहिए. ये कहां से कहां तक आएगा? तो ये root 2 से root 3 आएगा. और ये कहां से कहां तक आएगा? तो भाई root 3 से लेके 2 तक आएगा. अब क्यों आएगा? तो इस पे देखो, अगर greatest integer of x square, अगर आपने भाई साहब 1 लिया मान, जो कि इस केस में, तो मुझे जरा ये बताओ कि x square भाई साहब को कहां से कहां तक गुणा करेगा? x स्क्वायर को कहां से कहां तक होना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 1 से लेके 2 तक होना पड़ेगा, जब ही तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा. सो x को कहां तक होना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव नंबर लेना है तो 1 से लेके √2 तक होना पड़ेगा. 1 से लेके √2 तक होना पड़ेगा. तो ये बिल्कुल भी गलती मत करना, यहीं पे है जो कि ये चैप्टर रोल प्ले करता है. छोटी छोटी सी चीजें हैं, greatest integer आपको पता है, बट अप्लाई कैसे करना है ये मैटर. This is your house.
देखो अगर लिमिट की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे ये देखो थोड़ा यहां तक समझा सब जो मैंने समझा है ये वाला ठीक है। इसमें आपको सबसे आना चाहिए कि भाई वो पॉसिबल है, वन पॉसिबल है, टू पॉसिबल और थ्री पॉसिबल। तो मैंने जीरो लिख दिया, मैंने वन लिख दिया, मैंने टू लिख दिया, मैंने थ्री लिख दिया, कहां से कहां तक पॉसिबल है। तो उसके लिए आप कुछ इस तरीके से हमेशा इमेजिन कर सकते हो कि भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे को सपोज लेनी है टू, तो मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास टू से लेके थ्री के बीच में कुछ भी आ सकता, टू भी चलेगा, ये ठीक है कि अगर एक्स स्क्वायर टू से लेके थ्री के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर टू आएगा। और एक्स कहां से कहां तक होगा तो एक्स आप बोलोगे डेफिनेटली इसका अंडर रूट होगा, इसका अंडर रूट होगा तो रूट टू होगा, इसका अंडर रूट होगा तो रूट थ्री होगा। तो रूट टू से रूट थ्री के बीच में अगर आप एक्स को लो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज टू होगा, टू रूट टू से रूट थ्री लिमिट होगी। अब जैसे इसमें वो थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्सिटी आपको बढ़ाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले हो गए या फिर ये इसको आपको सॉल्व करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट रेंजेस, आपको इसको अलग अलग रेंज में ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है। Yes, can you see the screen? This is how we are going to solve this thing. ठीक है अब तो आप इंटीग्रेट कर लोगे।
चलो बढ़ जाऊं आगे। अब तो कर लोगे इस पे? अरे भाई, अगर ये सब पॉजिटिव हुए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, चलो बढ़ जाऊं आगे। बढ़ जाऊं आगे। चलो यार, बहुत ज्यादा है। ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या? So let's end the lecture then in that case. Next class we continue with. ये तो एक्सरसाइज, तो गो विद द सॉल्व्ड एग्जांपल्स।
फॉर एग्जाम्पल, व्हाट